हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम एसपी टू और एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी ऑर्बिटल मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर और 50% आपका पी कैरेक्टर है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका सिंपल, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका एसिटिलीन, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस तरीके से होता है। कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड देखते हैं तो एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में होता है, और दो पाई बॉन्ड आपके कार्बन कार्बन एटम के बीच में मौजूद होते हैं। तो एक कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन एटम में दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से इस कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है कितनी है आपकी, चार है। ठीक है, तो हर कंपाउंड में आपकी कार्बन की वैलेंसी हमारी चार होती है। और आप जब भी स्ट्रक्चर बनाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो चार वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसे हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, तो ये है आपका ग्राउंड स्टेट का और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट का। तो अगर हम इसकी पिक्चर फॉर्म में अगर देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में आपका 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स, और एक एक इलेक्ट्रॉन आपके p ऑर्बिटल में आपका मौजूद होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके आपका 2s से सेकेंड p ऑर्बिटल में जाता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से हो जाता है, एक s और तीन p में आपके चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब भी हम कार्बन किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें बॉन्डिंग देखते हैं, तो बॉन्डिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी बॉन्डिंग होगी। एक अनपेयर्ड, एक ऑर्बिटल जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो उसमें भी आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो यहाँ पे को एक कार्बन एटम में आपके टोटल चार बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसको चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्साइटेशन कराया इलेक्ट्रॉन का। राइट, अब जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो केवल आपके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हम एक कार्बन एटम की बात करते हैं तो उसमें आपके दो सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, तो इसका मतलब केवल दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे और आपका सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो एक एस और एक पी ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होके तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, और आपके दो पी ऑर्बिटल में किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद होगा। तो ये था आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इस कार्बन एटम में जो कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें मौजूद है, तो ये आपका एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, आपका एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। ठीक है, और ये आपका एक पी ऑर्बिटल आपका ये है, और एक पी ऑर्बिटल आपका, एक पी ऑर्बिटल आपका ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल ये है। तो ये दोनों ही पी ऑर्बिटल एक दूसरे से आपके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और इस एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी ये आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हम दूसरे कार्बन एटम में देखते हैं जिसमें आपका सेम ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ भी मौजूद है, सॉरी दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ भी मौजूद है, और दो आपकी पी ऑर्बिटल यहाँ मौजूद है जिनमें आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आपका इस कार्बन एटम में ये एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके। उसी तरीके से ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये दो कार्बन एटम आपस में ओवरलैप करके, दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन एटम के आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और आपका ये पी ऑर्बिटल, सॉरी ये पी ऑर्बिटल आपस में आपका क्या बनाएगा, ओवरलैप करके ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक ही पी ऑर्बिटल
ठीक है। और उसी तरीके से आपका एक ये भी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो पाई बॉन्ड बनेंगे और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे दोनों कार्बन एटम्स में, राइट। तो अगर हम एसिटिलीन में देखते हैं ओवरलैपिंग, तो इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है, और ये आपका कार्बन कार्बन के थ्रू आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये आपका दो पी ऑर्बिटल्स के थ्रू आपका पाई बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे को जो स्ट्रक्चर होता है एसिटिलीन का, वो होता है आपका लीनियर स्ट्रक्चर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हम कह सकते हैं आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है अगर वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो, इस तरीके की बॉन्डिंग मौजूद हो, राइट। और लीनियर स्ट्रक्चर में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।